फटे कपड़े को क्या घूर रही हो? प्रीतिश, प्रीतिश बाहर तो आओ, देखो तुम्हारी शर्ट को क्या हुआ है। अरे क्या हुआ मेरे शर्ट को बाबा? ओहो एक सेकंड बाहर तो आओ। क्या हुआ? हाँ? ये देखो तुम्हारी शर्ट काट कर कोई ले गया है, कैंची से किसी ने काटा है। ये कपड़े काटकर कौन ले गया है? बॉडी बाहर ले आओ। प्रतीक, ये तुमको क्या हो गया? बाथटब में नहाते वक्त इसके हाथों से इलेक्ट्रिक हेयर ड्रायर बाथटब में गिर गया, जिसकी वजह से बिजली का जबरदस्त झटका इसे लगा और इसकी मौत हो गई। लेकिन सर, ये समझ में नहीं आता कि ये एक आत्महत्या है या मर्डर, क्योंकि इसके बीवी के कहने के मुताबिक ना ही इसका कोई दुश्मन था और ना ही इसे कोई परेशानी थी। रेशमा, तुम इसके बिजनेस के बारे में पता लगाओ। ओके। मैंने इलेक्ट्रिक शॉक से कई मौतें देखी हैं।
लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं देखा। जरा फौरन से डॉक्टर से पूछो और पता लगाओ कि अचानक इसकी आंखों के पुतलियों का रंग नीला कैसे पड़ गया। इसकी आंखों की पुतलियों का रंग नीला कैसे पड़ गया, ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी इंस्पेक्टर। ये राज सिर्फ मैं जानता हूं और अभी तो ये मेरा पहला शिकार है, तीन अभी बाकी है। अचानक शबनम, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, हम लोग फिर शुरू करते हैं। मेरी कजन आई है। ठीक है, आप लोग बात करो, वैसे भी मुझे रोल चेंज करना था। ओके शबनम, आज का पेपर देखा तुमने? ऐसा क्या है आज के पेपर में? आत्महत्या। कौन था ये आदमी? शबनम, शबनम तुम्हें याद नहीं है? ये आदमी उस दिन वहां था। अब याद आया मुझे, प्रतीश खन्ना। लेकिन अलीशा, उस घटना को हुए तो बहुत दिन हो गए और तुम मुझे ये सब क्यों दिखा रही हो? कैसी बातें कर रही हो शबनम? इस आदमी ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या? और पुलिस भी नहीं जान पाई कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन मैं और तुम तो जानते हैं ना कि उसने ऐसा क्यों किया। शायद वो अपनी गलती बर्दाश्त नहीं कर पाया होगा। देखो अलीशा, इस घटना से मेरा कोई वास्ता नहीं है और इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं कहना, समझी तुम? और अलीशा, तुम्हें भी ये सब भूल जाना चाहिए। शबनम, कितनी बार समझाऊं तुम्हें, अभी भी हमारे पास समय है, हम अभी भी पुलिस के पास जा सकते हैं। हम पुलिस के पास क्यों नहीं जा रहे हैं? अलीशा, मुझे पुलिस से कुछ नहीं कहना। लेकिन शबनम, नहीं, आई डोंट बिलीव दिस। प्रतीश खन्ना ने आत्महत्या क्यों की? अच्छा ही हुआ जो आत्महत्या कर ली, बेवकूफ। शायद इसी में इसकी भलाई है। मिथा जी, ये मेरे कपड़े लेके कहाँ जा रही है? ये तुम्हारे पुराने कपड़े हैं जो तुम्हें फिट नहीं आते, और अनाथालय से कोई कपड़े मांगने आया है। मैंने सोचा उसे दे दूं, वैसे भी तो अलमारी इन फिजूल कपड़ों से भरी पड़ी थी। ठीक है, और सुनो, इस काम से फ्री होने के बाद जरा नाश्ता लगवा दो। ये लीजिए भाई साहब, ये मेरे पति के कपड़े हैं। इतने पुराने तो नहीं हैं, मगर उन्हें फिट नहीं आते, शायद आपके किसी काम आ जाए। भगवान आपका भला करे मैडम, ये कपड़े तो मेरे बहुत काम आएंगे। समझिए कि मेरा काम हो गया। मेधा, फर्नीचर वाले को फोन करके देखो, अभी तक आया क्यों नहीं? कैलाश, बस अब अगली बारी तुम्हारी। चल जल्दी ले, चल जल्दी ले। अरे पैर में लग गई। क्या भाई? भाई दिखता नहीं क्या? लगे उसके पैर में, अंदर हो गया तू? अरे क्यूटी
1128 पता चलेगा तुझे, दिखाई किसे नहीं देता, अंधा कौन है? मैं या तू? अपने दोस्त दत्त साहब से बोला कि दत्त साहब मैं मानता हूं कि मैं शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, लेकिन इतना बड़ा भी क्या गुनाह कर दिया मैंने जो मुझे सजा सुनाने के लिए दो दो दत्त बैठे हैं। वो इतना ज्यादा नशे में था कि उसको एक एक के दो दो नजर आने लगे थे। आओ। चले आओ, अब तुम घर से बाहर आओ, आओ इस सड़क पर आओ। तारा रा 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 रो, हाँ कैलाश, इसी सड़क पर तुम्हारा तुम्हारी मौत से सामना होगा। आगे बढ़ो कैलाश, आगे बढ़ो। तारा रा रा रा। आगे बढ़ो कैलाश, आगे बढ़ो, अपनी मौत से तुम्हें यही सामना करना है। आगे बढ़ो,
आगे बढ़ाओ। रा 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 तुम्हारी आंखें कैलाश और फिर तुम्हारी जान। ये देखो मैंने तुम्हारे मरने का इंतजाम कर दिया। टेम्पो, वही टेम्पो। क्या कहता था वो ड्राइवर, अंधा है क्या, दिखाई नहीं देता? पता चलेगा तुझे अंधा कौन है, दिखाई किसे नहीं देता। क्या नंबर था, क्या नंबर था तेरे टेम्पो का? PQT 1128 La la la. घर पर जाकर मस्त नींद आएगी ठाकुर। माया लालो भी उतारी आवे। ये क्या हो गया? ये रास्ता कैसे चल गया यार? कहाँ आ गया मैं? पढ़ते चलो, आगे पढ़ते चलो, आगे बढ़ो ड्राइवर। साहब मैं सच कह रहा हूं, मुझे नहीं मालूम ये सब कैसे हुआ। मैं तो माहिम कॉटर रोड पर गाड़ी चला रहा था और देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने से रास्ता बदल गया साहब, और मेरी गाड़ी शांति मार्ग पर पहुंच गई जहां ये आदमी रहता है साहब। आज सुबह तो मैंने इस आदमी के घर सामान छोड़ा है साहब, और अचानक मेरी गाड़ी के सामने आ गया साहब ये। अब मैंने बहुत ब्रेक लगाने की कोशिश की साहब, बहुत ब्रेक लगाने की, ब्रेक लगाई नहीं, ये मेरी गाड़ी से टकरा गया आके साहब, और टकराते ही गाड़ी रुक गई साहब। अब बताइए इसमें मैं क्या कर सकता हूं साहब? रास्ता बदल गया? जी हां साहब। कितनी दारू पी थी? नहीं नहीं, मैं दारू नहीं पीता साहब। झूठ बोलता है। नहीं नहीं, मैं दारू नहीं पीता साहब। सर, हमने इसके खून में शराब की मात्रा चेक की है, बहुत पी रखी थी इसने, और इसके टेम्पो में शराब की बोतल भी मिली है। हवलदार ले जाओ इसे, चलो। कुछ समझ में नहीं आता। मरने वाले के रिश्तेदारों का कहना है कि वो बिल्कुल ठीक था, फिर वो अचानक घर की बाहर की ओर जाने लगा, और इससे पहले घर वाले कुछ करते वो उस टेम्पो से टकरा गया। सर एक सेकंड यहाँ आइए, ये देखिए सर, इसकी आंखों से बहुत खून निकल चुका है। ये एक एक्सीडेंट में कैसे हो सकता है? और इसकी आंखों की पुतलियां बिल्कुल नीली पड़ गई हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह प्रतीश की हो गई थी। सर, ये 6 महीने पहले हुई घटना की एक रिपोर्ट मैंने ढूंढ निकाली है, जिससे ये साबित होता है कि इस घटना का और उन दोनों मौतों का आपस में कुछ ना कुछ संबंध है जरूर। ये देखिए सर। अच्छा, 12 फरवरी 1999 पार्कर रोड पे एक आदमी की लाश पाई गई। मरने की वजह गाड़ी से टकराना। मरने वाले का नाम शशिकांत। एक्सीडेंट किसके हाथों हुआ ये तो पता नहीं चल सका सर, लेकिन इस हादसे के 2 दिन बाद किसी ने पुलिस को ये हाथ से लिखा हुआ खत भेजा। 12 फरवरी को पार्कर रोड पे जिस कार से एक्सीडेंट हुआ था उस कार का नंबर है MBW 8898। उस वक्त वहां पर 3 चश्मदीद गवाह थे, स्कूटर पर एक आदमी, स्कूटर का नंबर KYT 3442।
और दो लड़कियां जो अपनी कार में थी, कार का नंबर BLL 5466। आप इन दोनों को जानती हैं? देखिए मैं सच कह रही हूँ, मैं इन दोनों में से किसी को नहीं जानती, और ये सब बात मैं पुलिस को 6 महीने पहले बता चुकी हूँ। मैंने कभी कोई एक्सीडेंट नहीं देखा है। अगर इस बेनाम खत में लिखा हुआ सब सच है तो आप उस हादसे की चश्मदीद गवाह थी। जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था वो गाड़ी को कैलाश ड्राइव कर रहा था और प्रतीश भी वहां पे मौजूद था। लेकिन मिस शबनम, आप दोनों की मौत हो चुकी है और आप हमसे कुछ छुपा रही है। देखिए सच बताइए कि वहां पे हुआ क्या था। आप पुलिस से झूठ बोल रही हैं और आपने उस कातिल की मदद की थी। और अगर आप इस तरह Please, for God's sake, मैंने कभी कोई एक्सीडेंट नहीं देखा, मैं सच बोल रही हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। ठीक है, हम तुम्हारी कजन अलीशा से जाके बात करेंगे, क्या पता वो ही हमें कुछ बता दे। चलो रेशमा। इससे पहले पुलिस अलीशा के यहाँ पहुंचे, मुझे उसे फोन कर देना चाहिए ताकि वो उन्हें कुछ बताए नहीं। अलीशा, मैं शबनम बोल रही हूँ। देखो अभी भी पुलिस यहाँ से होकर गई है, उसी एक्सीडेंट के बारे में पूछने, वो शायद तुम्हारे यहाँ भी जाए, उन्हें तुम कुछ नहीं बताना। देखो अलीशा, तुम क्या सोचती हो, उसकी मुझे कोई परवाह नहीं, तुम बस इतना याद रखना तुम्हें कुछ नहीं बताना है, ओके? मैडम जी। ओह, रामू काका आप? मैडम जी, शूटिंग पे नहीं जाना है का आपको आज? जाने का टाइम तो हो गया आपके, आपका ये आइस बक्सा रखवा दे गाड़ी में। हाँ वो रखवा दो, पर रामू काका मेरे कपड़े कहाँ ले जा रहे हैं आप? ये आपके कपड़े थोड़े मैले हो गए थे तो सोचा लॉन्ड्री में डाल देते हैं। पर आपको पता भी है लॉन्ड्री कहाँ पे है? अरे मैडम जी, आपकी नौकरी करते हुए हमें भले ही सिर्फ 4 दिन हुए हैं, लेकिन आपके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन लॉन्ड्री वाले से कहिए इन्हें संभाल के धोएं, ये कपड़े काफी कीमती हैं, ओके? जी हाँ मैडम जी, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कितने कीमती हैं आपके ये कपड़े। वाओ ग्रेट शबनम, बहुत अच्छी लग रही है उस ड्रेस में, परफेक्ट। अच्छा एक काम करते हैं, हेयर स्टाइल कर लो, उसके बाद अपन पोलराइड से कुछ सेशन निकालते हैं, देखते हैं कि तुम इस साड़ी में कैसी लग रही हो, ठीक है? ओके। गेट रेडी, कम ऑन। आई एम रेडी। ओके। कम ऑन, लेट्स गो। या। अच्छा शबनम, ये पोलराइड कैमरा है, मैंने टाइमर सेट कर दिया है, टाइम टू टाइम ये तुम्हारे फोटोग्राफ्स निकालता रहेगा, तब तक मैं जरा डार्क रूम होगाता हूँ। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक। कौन बुला रहा मुझे? कौन बुला रहा मुझे? कौन बुला रहा मुझे? शबनम, मैं तुम्हारी वो हालत करूंगा कि लोग तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। No!
तीन गए। बस अब एक और बाकी है, फिर तुम्हारा बदला पूरा। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, आपने बताया कि हाँ शबनम की मौत हो चुकी है। उसकी हालत कुछ ऐसी है कि उसे पहचानना बहुत मुश्किल है, लेकिन सच है। डॉक्टर साहब, आप उसे ले जा सकते हैं। जी। एक्सक्यूज मी इफ यू डोंट माइंड। श्योर। देखिए मिस अलीशा, शबनम तीसरी इंसान है जिसकी मौत बहुत ही अजीबोगरीब ढंग से हुई है, और ये तीनों शशिकांत की मौत के चश्मदीद गवाह थे। हालांकि इन सब ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन ये सच है। और आप इस केस की चौथी गवाह हैं। इससे पहले जब पुलिस ने आपसे पूछताछ की थी, तब आपने कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया था। मेरे ख्याल से आप हमसे कुछ छुपा रही हैं। देखिए, सच सच बताइए कि वहां पे हुआ क्या था। हमारे पास और कोई चारा नहीं है। मिस अलीशा, हो सकता है कि अगली बार ये आपकी हो। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, वो सब जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, जो मैंने शबनम और प्रीतिश ने उस दिन देखा था 8 महीने पहले। मैं खंडाला गई थी शबनम के साथ एक फोटोशूट के लिए। जब हम वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक घटना घटी। हाँ, बैटरी मेरे ख्याल से कार्बेटर में कचरा आया होगा। मैडम, आपकी गाड़ी रेडी है। अरे आपने तो कमाल ही कर दिया। ये तो मर गया। हाँ, ये तो मर गया शबनम। आप लोगों ने देखा ना, मेरी कोई गलती नहीं थी, ये अचानक मेरी गाड़ी के सामने आ गया। तपास मत करो, तुम्हारा ध्यान तो गाड़ी चलाने पर था ही नहीं, तुम शराब पी के गाड़ी चला रहे थे। आप लोग भूल जाइए कि आपने क्या देखा है। मेरे पास बहुत पैसा है, आप लोग जो चाहे मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं जेल नहीं जाना चाहता। अच्छा, कितना पैसा देंगे आप? क्या तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने भी तो देखा, इसने इस आदमी को कुचल के मार डाला। अरे ये हमें खरीदना चाहता है, लेकिन हम लालच में नहीं आएंगे। शबनम, हम बता के रहेंगे, चलो। मैडम प्लीज, मुझे पुलिस के झमेले में मत डालिए। तुम्हें शर्म नहीं आती? हमने अपनी आंखों से देखा तुमने इसे कुचल कर मार डाला, हम पुलिस को जरूर बताएंगे। नहीं चलो शबनम, हम पुलिस को कुछ भी नहीं बताएंगे। क्या? और देखो मिस्टर, हमें तुम्हारा पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमें पुलिस के झंझे में भी नहीं पड़ना है। शबनम, तुम कैसी बातें कर रही हो? हमने अपनी आंखों से देखा इस आदमी ने इसको मार डाला। हम अलीशा, इससे हमें क्या लेना देना है? देखो अलीशा, इसमें सिवाय टेंशन और बदनामी के कुछ भी हासिल नहीं होगा, जो मुझे और मेरे करियर को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, और हम अगर पुलिस हमें परेशान करेगी। अलीशा, शबनम, शबनम ये खूनी है, इसने उसको मार डाला। शबनम, उसको मैं पुलिस को सब कुछ बता देना चाहती थी, लेकिन शबनम ने मुझे चुप रहने के लिए कहा। और आप बड़ी आसानी से मान गई, ये जानते हुए भी कि वो एक खूनी है। लेकिन मैं जानती नहीं थी कि मैं क्या करूं। मैंने तो अगले दिन ही पुलिस को एक बेनाम खत लिख दिया था, जिसमें मैंने सब कुछ सच सच बता दिया था कि कौन खूनी है और कौन गवाह। वो खत तुमने लिखा था? हाँ, मैंने ही लिखा था, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। अब कातिल की मौत हो चुकी है और दो गवाह भी मारे जा चुके हैं, इसका मतलब शायद एक्सीडेंट के वक्त वहां पर कोई था जो एक एक करके बदला ले रहा है। कौन? हमारे अलावा वहां कोई और था ही नहीं। हो सकता है कि वो मरने वाले का कोई करीबी रिश्तेदार हो। हमें फौरन पुलिस स्टेशन जाके पता लगाना होगा कि उसका कोई करीबी रिश्तेदार था या नहीं, और हो सकता है कि उसी ने इन तीनों को मारा हो। और अगर मेरा अंदाजा सही है तो वो इस वक्त तुम्हें मारने की प्लानिंग कर रहा है। क्या?
ये हैं कुछ साड़ियाँ, इनमें से कोई भी साड़ी फटी हुई नहीं है। आप बताओ इन साड़ियों के बदले में कितने बर्तन दोगे? ये सब तो ठीक है मैडम, लेकिन इससे मेरा कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है। आपके पास कोई और कपड़े नहीं? फ्रॉक, स्कर्ट? आपकी कोई बेटी नहीं है? बेटी? हाँ है तो, लेकिन अलीशा के तो कोई पुराने कपड़े नहीं है। एक मिनट, तुम ये कपड़े पकड़ो, मैं अभी देख के आती हूँ। अलीशा भी मेरे भाई की मौत की जिम्मेदार है, इसने भी गवाही नहीं दी। बस इसके मरने के बाद मेरे भाई की मौत का बदला पूरा हो जाएगा। हाँ ये कपड़े मिल गए हैं, ये लो, ये है मेरी बेटी के कुछ कपड़े। इनमें से भी कोई कपड़ा फटा हुआ नहीं है, बस मेरी बेटी ने पहनना छोड़ दिया। आप बताओ इनके बदले में कितने बर्तन दोगे? जी कितने भी बर्तन मैडम, कितने भी बर्तन ले लीजिए। आप चाहें तो ये सारे बर्तन ले लीजिए। ये कपड़े मेरे लिए बहुत कीमती हैं। समझिए मैडम के मेरा काम हो गया। उस आदमी का नाम शशिकांत था, मरने के बाद कोई उसकी बॉडी को लेने यहां नहीं आया। पुलिस को ही उसका अंतिम संस्कार करना पड़ा, और फिर ठीक एक महीने बाद एक आदमी आया और उसने कहा कि वो शशिकांत का भाई था। उसने अपना नाम रमाकांत बताया था। उसकी बातों से हमें मालूम हुआ कि वो जादूगर बनने के लिए कई साल पहले अपना घर छोड़कर चला गया था। वो सारी दुनिया घूमकर आया था, साउथ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, घने जंगल, छोटे गांव में रहा, जहां रहकर वो जादू की विद्या सीखता रहा। जादूगर? इसका मतलब ये हुआ कि तीनों मौतों का जिम्मेदार वो जादूगर है। इसका मतलब प्रीतिश, कैलाश और शबनम, इन तीनों को उसने अपनी जादू की विद्या से मार डाला। मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन ये तीनों मौत बहुत ही रहस्यमय ढंग से हुई है, और इस बात की गहराई तक जानने के लिए हमें शशिकांत के घर तक जाना होगा। उसका एड्रेस 43 शांति वाहन एनजी रोड। लेट्स गो। कुछ नहीं हुआ, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ सहन करना है, बहुत कुछ। ये चौथी भी बस अब खत्म होने वाली है, और फिर तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा। देखा तुमने, देखा, तुम कहा करते थे मुझे ये जादू वादू सीखने में कुछ नहीं रखा। देखो तुम्हारा बदला मैं अपनी इसी जादू की विद्या का इस्तेमाल करके ले रहा हूं, और देखो इसे जलते हुए देखो। तो अलीशा जलने के लिए तैयार। रा 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 रा। लगता है कोई आ रहा है। देर नहीं करनी चाहिए। चलो अलीशा, चलो। रा 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 र
चल रही है, वो चल रही है, और इसे चलना होगा। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, उसे चलने दो, उसने मेरे भाई को मारा है, उसने मेरे भाई को मारा है। तुमने दो लोगों को मौत के घाट उतार दिया, वो दोनों बेगुनाह थे। अलीशा को कुछ मत कहो, वो बेगुनाह नहीं थे, उसने भी गवाही नहीं दी, वो भी मेरे भाई की मौत की जिम्मेदार है। उसे चलना होगा, उसे चलना होगा, उसे चलना होगा। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? मेरी शॉल जल रही है, मेरी शॉल जल रही है, मेरी तस्वीर जल रही है, मेरा जादू मुझे बासर कर रहा है, मेरा जादू मुझे जला डालेगा। भैया बचाओ, मेरा जादू मुझे जला रहा है, मेरा जादू मुझे जला रहा है। भगवान जाने ये कौन सी जादू की विद्या सीख कर आया था, लेकिन आज आज उसी विद्या ने उसे खुद जला के राख कर दिया। इसने दो बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन अलीशा, इसे बचाने में मैं कामयाब हो गया। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।